आजकल कोचिंग संस्थान चर्चाओं में बने हुए हैं। दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान और प्रशासन की देखरेख में लापरवाही की वजह से दिल्ली में हादसा होता है जिसमें 3 छात्राओं की मौत हो जाती है। शुक्रवार 2 अगस्त की शाम को ऐसी ही लापरवाही का एक और मामला जयपुर से सामने आया है, जहां जयपुर के मानसरोवर के शिप्रा पथ पर मॉडर्न स्कूल के पास तेज रफ्तार से आ रही कार का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी गुरु कृपा कोचिंग संस्थान के छात्रों से भरी हुई थी। इको गाड़ी हाई स्पीड से आ रही थी, ओवरटेक करने के चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी में बैठे कई छात्रों को चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से छात्रों को जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि गाड़ी वाले ने क्षमता से अधिक बच्चों को गाड़ी में बैठा रखा था। कृपा कोचिंग सेंटर वाले की गाड़ी है ये इको वैन, इसमें आवश्यकता से ज़्यादा इसने बच्चे पर रखे थे। इसने बहुत स्पीड से इस गाड़ी को लेकर के यहाँ से टर्न करके लेके आया। बच्चे आराम से बापड़े बैठे थे ओवरलोड होने के चक्कर में, और उसने एकदम से पलटी मारी है जिससे 4 पलटी लगी इसके। कितने बच्चे थे इसमें? बच्चे इसमें 15 से ज़्यादा ही बच्चे हैं। ओवरलोड भर करके बहुत स्पीड से चला करके लेके आया था। 4 पलटी मारी इस गाड़ी ने, बच्चों के कई जगह इंजर्ड हुए हैं जिनको हॉस्पिटल भिजवा दिया सभी को। ड्राइवर यहाँ इसको छोड़ के भग गया, बहुत लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। इस गाड़ी को ऐसे पकड़ के जनता ने, लोगों ने सहयोग से इन बच्चों को सबको हॉस्पिटल भिजवा दिया। कैजुअल्टी वगैरह भी उनको पता करेंगे, हॉस्पिटल गए सभी को ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ जयपुर अस्पताल भिजवा दिया सब बच्चों को। तो वो किसी ड्राइवर इस गाड़ी को ऐसे कैसे छोड़ के भग गया, बाकी हम निरीक्षक की जाँच करवा रहे हैं। जो भी ड्राइवर कौन था उसके बारे में किसके सारा सब कुछ बता गया, अभी तो गुरु कृपा वाले की उसके कोचिंग सेंटर की बता रहे हैं, बाकी हम और बाकी जाँच करवा लेंगे। एक्सीडेंट वालों को सारी चीज़ें बता देंगे, वो इसकी तफ्तीश करेंगे। सुमेर सिंह एसआई शिप्रापत थाना। ऐसे में प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या नियम सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गए हैं, क्योंकि जिस तरह से आए दिन नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं उसी का परिणाम ऐसे हादसे हैं, और आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। दिल्ली नगर निगम ने इमारतों से जुड़े नियमों के उल्लंघन करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एमसीडी के इमारत से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले दिल्ली के कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की जा रही है। वेस्ट सेंट्रल और नजफगढ़ जोन में अवैध रूप से चल रहे 34 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं। वेस्ट जोन में 23, सेंट्रल जोन में 8 और नजफगढ़ जोन में 3 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। सेंट्रल जोन में 14 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें से 6 ने कैंपस खाली कर दिया है और 8 को सील कर दिया गया है। एमसीडी सभी जोन में बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों और अन्य संपत्तियों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार 2 अगस्त को ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से हुई छात्रों की मौत पर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और अब तक की गई जांच पर सवाल उठाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच के तरीके पर पुलिस को फटकार लगाई। जज ने दिल्ली पुलिस के वकील से कहा, गनीमत है कि आपने बेसमेंट में घुसने के लिए बारिश के पानी का चालान नहीं काटा। कोर्ट ने मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी है। राजकोट टीआरपी गेम जोन में हुए अग्निकांड को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक है। इस घटना में गेम जोन के अधिकारियों और मालिकों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन राजकोट नगर निगम के बीजेपी नेताओं, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई है। इसी के चलते कांग्रेस ने 9 अगस्त से अहमदाबाद और गांधीनगर होते हुए मोरबी से राजकोट तक 300 किलोमीटर की न्याय यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में एक मामला सबसे ज्यादा गहराता जा रहा है। यह सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रेंड कर रहा है। यह मामला अल्जीरिया के मुक्केबाज इमान खलीफा का है, जो एक ट्रांसजेंडर है, जो 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जेंडर एलिजिबिलिटी मानदंडों को पूरा नहीं कर सके थे, वह बाहर हो गए थे। मगर इस बार पेरिस ओलंपिक में जेंडर इक्वालिटी का मामला है तो उन्हें एंट्री मिल गई। अब यही खलीफा पेरिस ओलंपिक के महिला बॉक्सिंग इवेंट में उतरी है। गुरुवार को उनका मुकाबला इटली की बॉक्सर एंजेलिना कार्नी हुआ था। यह मैच खलीफा ने सिर्फ 46 सेकंड में जीत लिया। इसका कारण है कि एंजेला ने नाक में चोट के कारण बीच में ही मैच छोड़ दिया था। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि वो यह मैच हारी नहीं है बल्कि खुद को जीता हुआ मानती है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।